हर हर महादेव। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद में अनेक प्रकार के तर्क कुतर्कियों के आ रहे हैं, उन सभी का मैं आज जवाब देने आया हूँ। आप सभी पूरा वीडियो देखिए ध्यान से, और आपसे भी कई लोग कुतर्क करते हैं तो आप भी यही जवाब देवें। क्या होता है कि कई लोग कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा आवश्यक क्यों है? मूर्ति को कोई चोर चुरा ले जाता है, भगवान स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते तो हमारी क्या रक्षा करेंगे, ऐसा भी कई लोग तर्क देते हैं। मूर्ति पर मक्खी बैठी हुई है, भगवान की नाक पर बैठ रही है, कभी कान पर बैठ रही है, कभी दाढ़ी पर बैठ रही है, कभी होठों पर बैठ रही है, तो भगवान उस मक्खी को क्यों नहीं उड़ा सकते हैं? जो एक मक्खी नहीं उड़ा सकते वो अपने भक्तों की रक्षा किस प्रकार से करेंगे? वो स्वयं की ही रक्षा मक्खी से नहीं कर सकते, एक मक्खी नहीं उड़ा सकते तो भक्तों की रक्षा किस प्रकार से करेंगे? ऐसे ऐसे तर्क कुतर्की दे रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि उन कुतर्कियों को ये नहीं पता कि शास्त्रों में क्या लिखा है, क्योंकि जो शास्त्र पढ़ेगा वो कुतर्क नहीं करेगा। कुतर्क उसे कहते हैं जो वेद पुराणों शास्त्रों स्मृतियों का धर्म ग्रंथों का खंडन करे, उनके वाक्यों पर उंगली उठाए, उन्हें कुतर्क कहते हैं। अब जो शास्त्र स्मृति वेद पुराण ही पढ़ लेगा या किसी गुरु से सीखेगा तो वो कुतर्क नहीं करेगा। आप ध्यान से सुने, इसका उत्तर अच्छे से समझिएगा, क्यों नहीं उड़ा पाते हैं भगवान मक्खी। ध्यान से सुने, भगवान के अवतारों में भेद होता है। अब भगवान यदि शरीर रूप में अवतार ले रहे हैं अपने अंश से, तो जैसे कि मानिए मेरे ही या आपके जैसा ही उन्होंने रूप लिया, और अनेकों रूप लिए हैं भगवान ने, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, तो जब देह रूप में लेते हैं तो चलायमान शरीर होता है, हाथ होते हैं, पैर होते हैं, नाक होती है, सारे शरीर के अंग होते हैं जो चलायमान रहते हैं, जो चेतना अवस्था में रहते हैं, और उस चेतना की अवस्था में भी भिन्नता है। भगवान स्वयं की भी रक्षा करते हैं, भक्तों की भी उसमें रक्षा करते हैं, अपने द्वारा, अपनी लीलाओं के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा। अब यहां पर अंतर क्या हो रहा है? जब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा मंत्रों के द्वारा, साधना द्वारा, किसी विग्रह में, पत्थर की हुई मूर्ति, धातु की हुई मूर्ति, काष्ठ की हुई मूर्ति, पार्थिव की मूर्ति हुई, तो उसमें क्या होता है, भगवान को उसमें परतंत्र रहना पड़ता है। शक्तियों से तो परतंत्र नहीं है, लेकिन मूर्ति रूप में, अब मूर्ति चलने फिरने थोड़ी लगेगी, पत्थर की मूर्ति है, चलने फिरने लगेगी तो फिर भक्त सेवा कैसे कर पाएगा? भक्त को सेवा का अवसर देने के लिए भगवान मूर्ति में अंश रूप में प्रतिष्ठित होते हैं, उसे प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। मंत्रों के द्वारा, साधनाओं के द्वारा, कई क्रियाओं के द्वारा, कई क्रियाएं संपन्न करने के बाद में अंत में मूर्ति में प्राण विद्यमान होते हैं, तो उसमें जो चेतना शक्ति जो प्रसारित होती है उसकी भिन्नता अलग होती है। उसमें भगवान को भक्त के द्वारा परतंत्र रहना पड़ता है। यहाँ पर कहते हैं ना, भक्त के वश में है भगवान। आप समझे और समझाएं भी, इन कुतर्कियों को उत्तर देना अति आवश्यक है, इसलिए आप समझे भी। नारायण अंश रूप में विराजमान होते हैं तो फिर भक्त पर ही निर्भर रहते हैं। अब आपके घर में मूर्ति हो, आपके घर में जो मूर्ति है आप उसे जगाओगे तभी जागेंगे, भगवान को जगाओगे तभी जागेंगे, पर्दा लगाओगे तभी शयन करेंगे, नहलाओगे तभी नहाएंगे, आप खिलाओगे, भोजन करवाओगे तभी भोजन करेंगे, उनका श्रृंगार करोगे तभी श्रृंगार में अलंकृत होंगे। तो भगवान भक्त पर पूर्ण रूप से निर्भर रहते हैं, और रहना इसलिए पड़ता है ताकि भक्त को भी भक्ति का अवसर मिले, सेवा पूजा का अवसर मिले, सेवा पूजा का अवसर मिले। तो भगवान ने इसलिए विग्रह रूप में अपने साकार रूप को इस युग में प्रदर्शित किया है, मूर्ति के रूप में भगवान की सेवा कर पाए भक्त लोग, इसलिए भगवान ने सेवा का अवसर देने के लिए भक्तों के लिए ये अनुग्रह किया है, ये कृपा की है हम पर,
इसलिए अच्छा ऐसा भी नहीं है कि आप नहीं जगाओगे तो भगवान सोए रहेंगे, वो आपके ऊपर निर्भर है, आपके घर की ऊर्जाओं के ऊपर निर्भर है। और आप यदि नहीं जगाओगे तो आपके घर के भगवान सोए रहेंगे, आपके भाग्य ही सोए रहेंगे। आप नहीं नहलाओगे भगवान को, आप भी स्वयं आलसी हो जाओगे। आप यदि भगवान के भोग नहीं लगाओगे और उससे पहले ही पा रहे हो, उसका भी दोष लगेगा, वो अन्न दूषित रहेगा, उस अन्न में जो तत्व हैं, दूषित तत्व होते हैं, वो विद्यमान रहते हैं, वो आपके शरीर में जाएंगे, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। तो भगवान हमारे ही कल्याण के लिए मूर्ति रूप में, अंश में, मूर्ति के रूप में, अंश रूप में विद्यमान रहते हैं, इसलिए वो अपनी मक्खी स्वयं नहीं उड़ा पाते हैं। भाई उनकी मक्खी आपको उड़ानी पड़ेगी। भाई अंधे की मक्खी तो राम उड़ावे, कहावत आपने सुनी होगी। तो आपकी मक्खी भगवान कब उड़ाएंगे? जब आप उनकी मक्खी उड़ाओगे। आपको सेवा करने पड़ेगी, जिस प्रकार से एक बालक की सेवा होती है, नियम होते हैं, उसी प्रकार से आपको प्रभु की सेवा करनी पड़ेगी। ये अवसर हमें दिया गया है भगवान के द्वारा। अब आपको एक बात और बताऊं कि मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का अलग विधान होता है, पार्थिव मूर्ति का अलग विधान होता है, धातु की मूर्ति का अलग विधान होता है, घर में गृहस्थ के घर में मूर्ति का अलग विधान होता है, सन्यासी के पास जो मूर्ति होती है उसका अलग विधान होता है, अर्चन व्यवस्थाओं में भी भिन्नता पाई जाती है। इसलिए शास्त्रों को पढ़े, अच्छे गुरुओं को सुने। इस प्रकार से YouTube पर तो बहुत चकाचौंध हो रही है, आडंबरता फैली हुई है, हर किसी की बातों में ना आवे और अपने मस्तिष्क को खोले, आराधना करे, साधना करे, सेवा करे। ये मेरा निवेदन है आपसे, क्योंकि प्रचार आजकल इस ढंग से होने लगा है, इतना प्रभावशाली होने लगा है कि अच्छे से अच्छे बुद्धिमान मनुष्य की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। और भीड़ के साथ में भाड़ शब्द जुड़ा हुआ है, तो भीड़ भाड़ में ही वो आदमी खोया रहता है और अपने मार्ग से भ्रमित हो जाता है। इसलिए ऐसे कुतर्कियों को उत्तर देना अति आवश्यक है। ये वीडियो आप सभी को भेजें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको प्राप्त हो। कठिन से कठिन जो आपके प्रश्न दिमाग में चलते हैं, मस्तिष्क में घूमते रहते हैं, जिनका उत्तर नहीं मिल पा रहा है, वो आप हमारे चैनल पर कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। विस्तार पूर्वक आपको अच्छे से जानकारी दी जाएगी, ताकि आप भ्रमित ना रहें। यही ब्राह्मण का कर्तव्य है, यही हमारा कर्तव्य है, और इसी कर्तव्य को हम पूर्ण रूप से निभाते हैं। वेदों की निंदा ना करें, वेदों का कहां माने, जो वेद शास्त्रों पुराणों की निंदा करते हैं उनसे दूरी बनाए रखें, उनको जवाब भी दीजिए, जवाब देना अति आवश्यक है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखकर सभी को भेजें, और अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगाए, सभी ग्रुपों में भी भेजें। ऐसा नहीं है मैं प्रचार के लिए बोल रहा हूँ, ताकि सभी को ये जानकारी प्राप्त हो, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। हर हर महादेव, नारायण नारायण।